यू आर लिसनिंग सम वॉइसेस और नॉट, यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा यहाँ हिशी शेप भी होगा भी होगा और ऐसे ऐसी आवाजें आएंगी कि वहां से पैर पकड़कर जूती भी। देखा कैसा काम चलता है पाकिस्तान के असेंबली में, इसीलिए ये देश इतना तरक्की कर रहा है। संसद में चुमा चाटी के बाद एक पुरुष सांसद ने नुसरत अब्बासी को अकेले चैम्बर में मिलने को बुलाया, उसके बाद क्या हंगामा हुआ आप खुद देखिए। तो मैं पढ़ूंगा। अच्छा, अब आप जरा प्लीज सुन लें जरा। मेरे चैम्बर में आ जाए, वहाँ पढ़ के बता दूं। चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं आप। आप जो जिस तरीके से बात नहीं, करते हैं ना, नुसरत साहिबा, सीनियर मेंबर खड़ा होकर हमारे कंडेम करे। पाकिस्तान के असेंबली में ये सब नॉर्मल है, यहाँ ये सब रोज चलता है। चुम्मा चाटी, प्यार, एक दूसरे को मारना, गालियाँ देना, ये सब नॉर्मल है उनके लिए। ये तो कुछ नहीं, आगे देखो क्या हुआ है। आप दे सकते हैं, बहुत हो गया है। मैंने बिल्कुल हजफ कराया है जब आप चीख रही थी। मैं सार्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ, मैं जहमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दे। एक जूते दिखाए टार, आप पलट के देखें। आप लोग को क्या ये तमीज होती है पार्लियामेंटेरियंस की कि जूता दिखाया जा रहा है? ये तरीका नहीं है कि जूता दिखाया जा रहा है और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। हमने आपको पाकिस्तान के असेंबली में क्या क्या होता है सब कुछ दिखा दिया, पर और एक बाकी है, यहाँ प्यार भी होता है। हाँ, देखे कैसे प्यार करते हैं असेंबली में। सिंध असेंबली के इजलास में अरकान यूं एक दूसरे से मिले जैसे कप के बिछड़े हों। खासकर पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली नईम खरल ने तो हद ही कर दी। इजलास से कबल इन्हीं की पार्टी की एमपीए कुलसुम चांडियो ने इनसे पुरजोश मुसाफा किया, मगर नईम खरल के जोश और जज्बे ने इन्हें इस कदर परेशान किया कि कुलसुम चांडियो को जबरदस्ती हाथ छुड़ाना पड़ा। इजलास शुरू हुआ फिर आधे घंटे बाद ही मुलतवी हो गया, मगर मंजर एक बार फिर वही था। देखा कितने अच्छे तरीके से काम चलता है पाकिस्तान के असेंबली में, इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान का लोहा मानती है। इसी के कारण पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश होगा वो पाकिस्तान होगा, और दूसरे देशों को कर्ज देता है। इतना अमीर देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में महंगाई ना के बराबर है। जहाँ भारत चंद्रयान 2 कर रहा है, वहाँ पाकिस्तान चंद्रयान 3 कर भी चुका है। पाकिस्तान, इसी तरीके से आप तरक्की करते जाओ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।